नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर राज्य सरकार के किसानों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे राजीव गांधी न्याय योजना का नाम दिया। सीएम ने यह स्कीम ऑनलाइन लॉन्च की। इस मौके पर दिल्ली से कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। सोनिया गांधी ने कहा, न्याय स्कीम की शुरुआत से पूरी पार्टी बहुत खुश है। प्रदेश के विभिन्न कांग्रेस कार्यालयों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसान न्याय योजना का शुभारंभ अवसर पर कांग्रेस जन जुड़े। राजनांदगांव में भी विधायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद डीएनएक्स टीवी संवाददाता सुरेंद्र गुप्ता ने विधायकों से कोरोना से लेकर किसान न्याय योजना तक सभी बिंदुओं पर चर्चा की। डीएनएक्स टीवी के खास प्रोग्राम विधायक संगोठ में हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र गुप्ता ने मोहला मानपुर विधायक इंद्र शाह मंडावी से चर्चा की। आइए जानते हैं मोहला मानपुर विधायक ने किसान न्याय योजना पर क्या कहा। उसके बाद भी हमारे कर्मचारी और जाँच करते जा रहे हैं, जो भी बाहर से आते हैं उनको खाने का भी प्रयास कर रहा है। अभी कर्नाटक से लगभग 28 लोगों को मैं प्रशिक्षण देकर बुलवाया हूँ और अभी क्वारंटाइन से चल करते हैं और जमशेदपुर बाकी सुल्तानपुर यहाँ से भी हम बस वस करके बुलवा रहे हैं। सभी को क्वारंटाइन कर रहे हैं और उसका सिंपल दिया जा रहा है। सिंपल लेने के बाद जैसे कि रिपोर्ट आती है उससे फिलहाल तो उसके जो भी परिस्थिति बनती है उसके हिसाब से बात करती है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के द्वारा किसानों का किसानों को उनके जो डिफेंस की राशि सर की राशि पैसे मिली है वो उसको मिलेगा। उसको चार किस्तों में दे रहे हैं। अभी वर्तमान में आज बहुत मान रहे हैं सर जी राजीव गांधी के अवसर पर लगभग 1500 करोड़।